अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अख्तर मेमन है और मैं गोल्डन ट्रेडर्स के नाम से ये बिजनेस गुज़िश्ता 23 बरसों से हैदराबाद में रन कर रहा हूँ। एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जो एक घर बनता है तो उसमें 36 आइटम लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ट्रेडर्स 17 चीज़ों को कैटर कर रहा है। गोल्डन ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म पे अगर कहा जाए कि कराची में भी कुछ पार्टीज हैं जिनको हम कैटर करते हैं यहाँ से बैठ के। हैदराबाद में गोल्डन ट्रेडर्स की 2 ब्रांचेस इस वक्त रन कर रही हैं, तीसरी अपकमिंग हमारी बाईपास पे आ रही है। इस वक्त कासमाबाग ब्रांच एंड हालाना का ब्रांच रन कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से। बाकी यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिंध को हम देख रहे हैं बैठ के और अपना सक्कर तक भी हमारे क्लाइंट्स हैं। नंबर वन पे तो नो डाउट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जानदार होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड चलता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड हमारे पास जो चलते हैं, उनकी जो रिप्स हैं, उनकी जो साइजिंग है मिलीमीटर्स में जो होती हैं और उनकी जो लेंथ है, वो सारी क्वालिटी जो है उसकी वो ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन प्राइसिंग है, प्राइसिंग के ऊपर तो देख रहे हैं आप जो है वो वर्ल्ड की प्राइजेस ऊपर नीचे होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नवीना स्टील के साथ डे वन से मैं वाबस्ता हूँ। जिस दिन से उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और मार्केट हुई है उस दिन से लेके आज तक मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, अबाउट 2 ईयर्स हो गए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त है, ऑन टाइम है, प्राइस ओके है मार्केट के हिसाब से, क्वालिटी तो नो डाउट बेहतर जा रही है। नवीना स्टील के बारे में पता तो था क्योंकि काफ़ी टाइम से ये अपनी कमीशनिंग उसमें थी, उसके बाद जो है कंपनी की एंड से मुझे अप्रोच किया गया और मैंने भी उनको अप्रोच किया, तो इस तरह से मुझे उन्होंने एज ए स्टॉकिस्ट मुंतखब किया हैदराबाद के लिए। ऐसे सैकड़ों कस्टमर हैं जिनको हमने दिया है, आमादा किया है इस ब्रांड के ऊपर। अब वो दूसरों को भी कहते हैं, खुद तो ज़ाहिर बात है दोबारा वो मांगते हैं नाम से, प्लस वो दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि आप नवीना लें। सरियत लेते हुए मेन चीज़ है क्वालिटी, क्वालिटी पे मेन उस पर कंप्रोमाइज़ उनको नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि सरिया एक ऐसी चीज़ है इमारत की जो लगेगा वंस, और जब तक वो इमारत खड़ी हुई है तो वो उसमें मौजूद रहेगा। ये नहीं आप कह सकेंगे अपने कॉन्ट्रैक्टर को बीच में कि ओ यार मुझसे तो गलती हो गई, मुझे सरिया चेंज कर दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सरिये की चॉइस राइट करें और ब्रांड की तरफ जाएँ, क्वालिटी की तरफ जाएँ।